दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एक्सिस बैंक में जो आपको रिवार्ड्स पॉइंट दिए जाते हैं उसे कैसे आपको रिडीम करना, उसे कैसे आपको यूज करना, आप शॉपिंग उसका यूज करके कैसे कर सकते हैं या मर्चेंट वाउचर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे कैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड सिर्फ है उसका रिवार्ड्स पॉइंट कैसे आपको यूज करना है, या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है डेबिट कार्ड का रिवार्ड्स पॉइंट वगैरह होते हैं उसे कैसे आपको यूज करना और रिडीम करना इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके लिए चलना होगा मोबाइल स्क्रीन पर, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सिस मोबाइल ऐप खोल लेना है। एक्सिस मोबाइल होने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप लॉगिन आप टच आईडी से भी कर सकते हैं, अगर आपका एमपिन सेट हो तो एमपिन यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू कस्टमर हैं आपका रजिस्टर्ड नहीं तो आपको सबसे पहले से रजिस्टर्ड करना पड़ता है तभी आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर सिर्फ हैं उनके लिए वेबसाइट्स के थ्रू होगा। इस वीडियो में दोनों ही प्रोसेस बताऊँगा, ये प्रोसेस जिनका अकाउंट है या डेबिट कार्ड है वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ करेंगे हम। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा, तो आपको थ्री लाइन दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आएंगे तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स का सेक्शन दिख रहा होगा, तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पॉइंट्स दिखा रहा है कि 18,210 पॉइंट्स है। आज मैं इसे रिडीम करने वाला हूँ, इसे मुझे रिडीम करना है। आपका भी अपने अकॉर्डिंग आपका पॉइंट्स होगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपका पॉइंट्स बनता जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स होगा, पॉइंट्स रिडीम करने के लिए यहाँ पर नीचे सेक्शंस दिए हैं, इंस्टा ई वाउचर या रिवार्ड स्टोर या डील फॉर यू या न्यू डील्स करके आपको ऑप्शंस मिल रहा होगा। तो न्यू डील्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनीज के नाम दिख जाएंगे, इसमें वाउचर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिग बास्केट का देख रहे हैं, आपका 1250 पॉइंट डेबिट होगा तो आपको 250 रुपये का वाउचर मिलेगा। इस वाउचर से आप बिग बास्केट में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जो भी आपका यूजफुल होगा तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे इसमें नहीं करना है तो मैं यहाँ से बैक चला जाऊंगा। यहाँ पर रिवार्ड स्टोर भी होता है, रिवार्ड स्टोर में जाके आप कोई भी सामान वगैरह परचेस करना चाहते हैं अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इंस्टा वाउचर्स भी है, मोबाइल एसेसरीज वगैरह भी है, कंप्यूटर एसेसरीज वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। तो मुझे इससे परचेस नहीं करना है, आपके अकॉर्डिंग में सामान दिखता हो तो आप परचेस कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इंस्टा ई वाउचर्स को कन्वर्ट कर लूँगा, तो इंस्टा ई वाउचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारे इस कंपनी के वाउचर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको सर्च का ऑप्शन है। तो मैं जैसे अमेज़न का मुझे करना है तो अमेज़न का मैं यहाँ पर वाउचर्स ले सकता हूँ, तो अमेज़न लिखना है आपको। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स अमेज़न के देखिए आ गए, यहाँ पर 5000 पॉइंट्स में आपको 1000 का वाउचर मिलेगा, 10000 पॉइंट्स है 2000 का मिलेगा। इस वाउचर्स का यूज़ कर आप अमेज़न पर परचेस भी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ये सारी सर्विसेज मिलती है। तो मैं इसी वाउचर्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ, आप फ्लिपकार्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का पॉइंट्स आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, फ्लिपकार्ट वाउचर में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे अमेज़न में करना है तो मैं अमेज़न में कर लेता हूं। जैसे कि 10,000 मेरे 18,000 टोटल पॉइंट हैं, यहां पर 18,000 वाला कोई सेक्शन नहीं है, 10,000 और 5,000 का। तो मैं एक बार 10,000 का रिडीम करता हूं, यहां पर रिडीम नाउ पे क्लिक कर देना है। यहां पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने एक 10,000 का ऐड कर लिया, मैं एक 5,000 का ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर रिडीम नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दो वाउचर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, एक 10,000 के एक 5,000 के। तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा, यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है कि आप अपना वाउचर्स कहाँ पर चाहते हैं, अपने ईमेल आईडी पे चाहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना देखेंगे, आप ईमेल पर मंगवाना चाहते हैं तो आपका ईमेल सही है तो ईमेल पर मंगवा सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा आपका वाउचर्स का। यहाँ पर एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस है, उसे आपको एग्री कर लेना है और यहाँ ईमेल पर क्लिक करके प्रोसीड और प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कन्फर्मेशन विंडोज आपको आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कन्फर्म कर देंगे। तो कन्फर्म होने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका वाउचर्स है वो भेज दिया जाएगा। तो वाउचर्स को अब इजीली आप यूज़ कैसे करना तो वो भी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वाउचर आप रिडीम करेंगे वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेज दिया ऐसा का कोड देख सकते हैं, और अपने मेल भी आप चेक करेंगे वहाँ पर भी ऑफर्स आ जाता है जो वाउचर्स आपने कन्वर्ट किए। तो ये वाउचर देख रहे हैं यहाँ पर 2000 वाला आ गया है और इसे मुझे रिडीम करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके कोड को मैं सिर्फ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अमेज़न के एप्लीकेशन पे आ जाना है, उसके बाद थ्री लाइन पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अमेज़न पे पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आप स्लाइड करेंगे तो ऐड गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है, जो कोड आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर देना है, देख सकते हैं, और ऐड बैलेंस में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 1000 ईजिली यहाँ पर ऐड हो गया। वैसे ही दूसरा वाउचर जो मैंने कन्वर्ट किया उसे भी मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर ईजिली ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिडीम कर सकते हैं।
अब इस वाउचर का यूज कर कर आप डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट वगैरह करना है, बिल पे करना है तो इजिली कर पाएंगे यहाँ पर, और शॉपिंग करना है तो शॉपिंग वगैरह भी आपका इजिली हो जाएगा इस वाउचर से। तो इस वाउचर का राइट यूज यहाँ पर अमेजॉन वाउचर्स में कन्वर्ट कर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, उनके पास अकाउंट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो उनको सिर्फ इस वेबसाइट्स पे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं ejrewardspoints.axisbank, आप गूगल सर्च भी करेंगे तब भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, आप 3 लाइन ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको साइनअप का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सबसे पहले साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट। आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे कस्टमर आईडी की जगह पे, और नेम ऑन कार्ड जो नाम आपका वो लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उसे आपको ओके कर लेना और यहाँ पर साइनअप हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से रिडीम किया है आपने, उसी तरीके से आप इसे रिडीम कर पाएंगे पॉइंट्स वगैरह को इजिली, जैसा मैंने एप्लीकेशन में प्रोसेस किया था, सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और अपने इजिली इस तरीके से पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अपना रिवार्ड्स पॉइंट्स का आप यूज़ कर पाएंगे सही तरीके से, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन के वाउचर में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी और भी मर्चेंट के वाउचर्स हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, ये ज़्यादा आप अपने कन्वर्ट करके कोई भी अपने अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे HDFC में आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स दिए जाते हैं उसका कैसे आपको यूज़ करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और SBI के कस्टमर हैं उनको भी रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलता है, उस पर वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो जाकर देख सकते हैं कैसे आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स का यूज़ करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।